नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का कटलेट। इसको बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। देखिए, आप अपने अनुसार आलू ले सकती हैं। अब इसको हम उबाल लेते हैं। ये मैंने उबाल लिया, छील भी लिया है। अब इसको हम भूनेंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल गर्म हो गया था, जिसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया था। और ये हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिए, दो तीन, जितना भी आपको पसंद है। ये ब्राउन हो गया है, इसमें हम आलू को अब थोड़ा सा दबा दबा के इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह हमको इसी में फोड़ के डालना है। अब इसको हम मिलाते हैं। इसको अच्छे से भूनना है, जिस प्रकार समोसे का मसाला हम तैयार करते हैं उसी तरह इसको भी बनाना है। ये अमचूर पाउडर है और ये काला नमक है, सादा नमक है और ये मिर्च पाउडर है। मिर्च अपने से भी डाल सकते हैं, जितना भी आपको कड़वा खाना है आप उसको डाल के अब भूनिए इसको। इसको स्लो आंच में इसको भूनते जाइए, मीडियम फ्लेम में इसको भूनना है। इस तरह हम भूनते रहेंगे, 10 से 15 मिनट तक हमको भूनना है। ये देखिए भून गया है, बस थोड़ी देर 5 मिनट और भूनना है। ये अगर चिपक रहा है तो उसको खुरसते जाइए, खुरुस खुरुस के भूंजेंगी तो उससे और स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए चिपक रहा है, इसको हम खुरुसते जाएंगे और भूनते जाएंगे, इससे सोंधापन और बढ़ता जाएगा। ये लगभग भूंज गया है, इसको हम अब निकाल लेते हैं। गैस साफ करके इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये मसाले तैयार हैं, इसमें हम भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली से और भी स्वादिष्ट हो जाता है हमारा कटलेट, इसको आप ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिला के देखिए चारों तरफ मिल गया है। अब हम एक स्लाइस लेते हैं, इसमें हम हल्का हल्का पानी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का हमको चारों तरफ लगाना है। मैंने इसका किनारा नहीं निकाला है, आपको अगर निकालना है तो निकाल सकती हैं। इसको दबाते जाइए, इसी में हम अपना कटलेट के शेप में लंबाई में इसको हमको इसे रख के इसमें अपने बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो फिर ये फट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के दबाते जाएंगे और कटलेट का शेप देंगे। ये देखिए हमारा कटलेट तैयार है। आप कोई भी शेप दे सकती हैं, गोल भी बना सकती हैं, मैंने इस शेप में बनाया है। इसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं। हल्का हल्का पानी डालिए चारों तरफ, इसको दबा दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा और फिर सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसी में हम अपना मसाले भर देंगे। इसको फिर से बना लीजिए, इसी तरह एक एक करके हम बनाते जाएंगे। अगर आपको सुबह खाना है तो रात को भी तैयारी कर सकती हैं। रात को इस तरह बना के आप फ्रिज में रख दीजिए और सुबह इसको फ्राई करके बस सर्व कर दीजिए।
बच्चों को टिफिन में दे दीजिए। देखिए मैंने सारा बना लिया है, अब हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। अब इसको हम जार में डाल दिए, ये देखिए बन गया है। अब हम एक डोंगा लेंगे, इसमें मैंने 2-3 चम्मच अरारोट डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक। आप मिर्च पाउडर भी डाल सकती हैं और सब्जियां भी डाल सकती हैं। इसका पतला घोल बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है। देखिए पतला घोल बन गया है, इसी तरह हमको अच्छे से मिला लेना है। अब हम अपना कटलेट लेंगे और इसमें अरारोट की कोटिंग करके और फिर क्रम्स लगा लेंगे। चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छे से लगा लीजिए और हम तेल चढ़ा दिए थे, अब इसमें फ्राई कर लेते हैं। इस तरह दूसरा भी करेंगे, अच्छे से कोटिंग करके क्रम्स लगाइए और फिर फ्राई कर लीजिए। क्रम्स लगाने से कुरकुरा हो जाता है और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह मैंने धीरे धीरे डाल दिया है, अब इसको हम पलट देते हैं। एक साइड हो गया है, इसको सब पलट के फिर हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पलट गया है, इसको 2-3 मिनट के लिए दूसरे साइड अब पकेगा। इसको हिला देते हैं थोड़ा सा, अभी नहीं हुआ है, थोड़ी बस 2 मिनट के लिए और हम छोड़ देंगे। ये देखिए अब चारों तरफ से ये ब्राउन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हमको और भी बनाना है, ये देखिए फिर से उसी तरह बनाना है। बहुत ही फटाफट बनने वाला नाश्ता है, आप बस ट्राई करिए और अपने परिवार के साथ खाइए खिलाइए। सब बनाते जाइए। ये देखिए ये भी बन गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।